मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने झारखंड में प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें किसान का सगा भाई बताया और उनकी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं का आह्वान किया। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि विगत 9 वर्षों में देश में जो काम हुए हैं वो अपने आप में ही तारीफ के काबिल हैं। मोदी सरकार के कार्यकाल में जो योजनाएं बनी और लोगों तक पहुंचते ही जो लाभान्वित हुए, उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं कि आजादी के बाद हमने पहले ऐसी सरकार देखी है जिसने हमारी सुध ली है। कृषि मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते थे कि हम केंद्र से 1 रुपए भेजते हैं तो गांव तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसा हो जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में केंद्र से 100% पैसा पात्र हितग्राहियों को मिल रहा है। जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के साथ ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का नारा जो पीएम मोदी ने दिया है। इसके साथ मोदी जी ने चुनाव के पहले 2014 के पहले ये कहा था दो चीज, एक तो देश के अच्छे दिन आएंगे, गरीबों के अच्छे दिन आएंगे, बहनों के अच्छे दिन आएंगे, माताओं के अच्छे दिन आएंगे, किसानों के, युवाओं के साथ। और दूसरा कहा था कि अगर मैं प्रधानमंत्री बना तो ईमानदार शासन दूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। एक प्रधानमंत्री थे कांग्रेस के राजीव गांधी जी, वो कहते थे मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूँ तो गाँव में जाते आते 15 पैसे ले आते हैं। हर बार भाषण में बोलिए 85 पैसे सत्ता के दलाल। जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे पंच से लेकर प्रधानमंत्री कांग्रेस के तो दलाल होते हुए एक प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जिनका हमको गर्व है भारत में अभियोग उस वक्त वो कहते हैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। इसलिए उन्होंने टेक्नोलॉजी को उपयोग किया, तकनीक को उपयोग किया और जनधन खाते खुलवाए, हर नागरिक के बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक के, महिलाओं से लेकर मजदूर तक के खाते खुलवाए, सीधे खातों में पैसा पीडीडी के माध्यम से डलवाया और इसलिए 1 पैसा भी कोई नहीं खा सकता। अभी किसानों को 2.25 लाख करोड़ रुपया किसान सम्मान निधि में उन्होंने दिया, सीधा बटन दबाई सीधे खाते, 1 पैसा भी कोई नहीं खा सकता। हिंदुस्तान में कांग्रेस की सरकार थी जब कोई कल्पना कर सकता था कि बगैर दिए दिए कोई काम हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कार्यकर्ताओं को आह्वान किया है कि आप प्रत्येक बूथ के मतदाता तक जाएं और उनसे मिलें, साथ ही उनसे पूछें कि आपको केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिला या नहीं। यदि वे हाँ कहते हैं तो उन्हें बधाई दीजिए और अगर वो ना कहते हैं तो उन्हें योजनाओं के लाभ के लिए जुड़वाने की प्रक्रिया शुरू कीजिए। कोई भी व्यक्ति इन योजनाओं से वंचित नहीं रहना चाहिए। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि देश को आजादी तो 1947 में मिली थी, लेकिन गांवों को आर्थिक आजादी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनने के बाद मिली है। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया, इसलिए देश में अगर कोई सच्चा गांधीवादी प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। हमारा गाँव और शहर मिलकर देश बना है। शहर की प्रॉपर्टी की तो वैल्यू है लेकिन गांव की प्रॉपर्टी की कोई वैल्यू नहीं है। ये बिल्डिंग है, ये आपकी गिरिडीह में नगर निगम में नगर पालिका नगर परिषद में है तो इसकी वैल्यू है कलेक्टर गाइडलाइन से। प्लाट गरीब आदमी भी झोपड़ी में रहता है उसका भी कीमत है, उसको मकान के लिए, दुकान के लिए, व्यवसाय के लिए, उद्योग के लिए ऋण मिल जाए, कोर्ट में जमानत हो जाएगी और लिमिट मिल सॉल्वेंसी बन जाएगी और इसलिए बैंक से लोन लेकर वो आगे बढ़ सकता है। लेकिन यही प्लाट अगर ग्राम पंचायत में हो गाँव में तो 1 करोड़ का भी हो तो उसके ऊपर 1 रुपए की जमानत नहीं हो सकती थी, 1 रुपए की लोन नहीं मिल सकती, 1 रुपए की लिमिट नहीं मिलती थी। लेकिन कांग्रेस ने इतने साल राज करने के बाद में किया, पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना देकर सही मायने में गाँव को आज़ादी दिलाई है आर्थिक रूप से। अब गाँव के ड्रोन से सर्वे हो रहे हैं पूरे देश के अंदर और मैं जहाँ से आता हूँ मध्य प्रदेश से हरदा से, मेरा जिला देश का पहला जिला बना हरदा जहाँ प्रधानमंत्री स्वामित्व के हमने 100% लोगों को गांव में 57,000 लोग रहते हैं, छोटा सा जिला है, 2 विधानसभा है, 57,000 लोगों को मालिकाना हक के स्वामित्व के पर निःशुल्क हमने प्रधानमंत्री जी के हाथ से वर्चुअली वो मुख्यमंत्री जी के हाथ से बंटवाए एक साथ। उसके कारण गांव के विकास के द्वार खोले, गाँव की तकदीर तस्वीर बदलेगी और गांव की दशा और दिशा बदलकर गांव आत्मनिर्भर होगा तो देश आत्मनिर्भर होगा। क्योंकि गांधी जी भी कहते थे असली भारत गांव में बसता है, गांव के विकास से देश के विकास, लेकिन कांग्रेस ने गांधी जी के नाम पर राज कर लिया लेकिन गांधी जी के सपनों को साकार नहीं किया, वो भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।